नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हाल ही में संघ के पूर्व प्रवक्ता और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने अखंड भारत की बात की थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर एक अखंड भारत बनाने की बात की थी। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या आपको लगता है कि आज की परिस्थितियों में अखंड भारत की कल्पना की जा सकती है? देखिए, कल्पना करने में तो खैर कोई बुराई नहीं है, कल्पना ही अगर आप कर रहे हैं तो उसमें अफगानिस्तान को, उधर श्रीलंका को, इनको सबको भी अलग क्यों छोड़ रहे हैं? देखा जाए तो मूल रूप से जो आर्यावर्त था उसका नक्शा अगर बताया जाता है पुराने हिंदुस्तान का, तो उसमें तो हमारी कंधार तक और उसके आगे तक साम्राज्य आर्यावर्त का माना गया है पुराने। उसके बाद का जो हिंदुस्तान है उसमें दरअसल अशोक का जो शासनकाल है उसी में सबसे ज्यादा एकीकृत भारत हमको हिंदुस्तान दिखाई दिया है, जिसका कि नक्शा आप मान्य मान सकते हैं। उसके बाद का जो भारत है उसमें मुगलों के आने के बाद अलग अलग रियासतों में, अलग अलग साम्राज्यों में बटा हुआ हिंदुस्तान था, जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत आकर अंग्रेजों ने कब्जा किया, और अंग्रेजों ने फिर जब इन रियासतों को अपने कब्जे में धीरे धीरे लेना शुरू किया तो उन्होंने इन सारी रियासतों को मिलाकर इस हिंदुस्तान पर शासन करना शुरू किया। जब अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़कर वापस जा रहे थे तो उन्होंने सबसे पहली लाइन तो खींची थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को मान्यता दी गई थी, और फिर भारत और पाकिस्तान का जो ऐतिहासिक दर्द हमने भोगा उसकी पीड़ा तो हम आज तक सह रहे हैं। बांग्लादेश का निर्माण जो युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ, और इंदिरा गांधी उसके लिए बहुत बड़ी उन्होंने भूमिका निभाई थी, और वो एक इतिहास का बड़ा ऐसा दौर है जिसके बगैर हम पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को भारत के दोनों कंधों पर सहने के लिए मजबूर कर दिए गए थे। तो ये सारा देखिए इतिहास है। अब एक इच्छा होती है और एक सत्य होता है। सत्य यही है कि इस वक्त जो नक्शा है उसमें बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र है, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र है, और हमें इस इतिहास का इस वक्त इसलिए सम्मान करना चाहिए कि केवल आपके चाह लेने भर से ऐतिहासिक तथ्य नहीं मिट सकते। आप चाहते कि अगर आपके मुगल ही ना आते, आप चाहते हैं कि जो आर्यावर्त है वो बना रहता, आप चाहते कि अंग्रेज नहीं आते, आप चाहते कि अंग्रेज हमारा दमन नहीं करते, तो ये चाहने वाली बातें होगी जिसको आप मान सकते हैं कि ठीक है ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो फिर ये भी बात है कि प्रथम विश्वयुद्ध नहीं होता, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम नहीं गिरते, देश में कोई लूला लंगड़ा नहीं होता, देश में कोई अपाइज नहीं होता, देश में कोई गरीब नहीं होता। उसी तरीके से भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक होते, इंशाअल्लाह आमीन हम यही कह सकते हैं। अब एक हो जाने भर से ही क्या, जमीन के टुकड़े एक हो जाने भर से दिल मिल जाएंगे, ऐतिहासिक तथ्य मिट जाएंगे, नफरतों की दीवार मिट जाएंगी? आप ये देखिए कि जो चाहते थे कि हम मुसलमानों का एक अलग राष्ट्र हो और हमको अलग रहने से ही मुसलमानों को महफूज रहने का एक जरिया मिलेगा, तो वो लोग चले गए, लेकिन बहुत सारे मुसलमान ये मानते थे कि वो हिंदुस्तान में रहकर भी उतने ही महफूज हैं, वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने के बावजूद भी 47 से अब तक जितने हिंदू मुस्लिम दंगे इस देश ने देखे हैं वो ये बताते हैं कि केवल जमीन पर लाइन खींच देने से या लाइन को मिटा देने से दिलों की दूरियां नहीं मिटती। आप ऐसा चाह सकते हैं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश मिलकर एक हो जाएं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो, लेकिन हम सीमा पर सैनिकों के जरिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन देश के भीतर नफरत की जो हमारे भीतर जहर बो दिया गया उसके जरिए जब हम लड़ेंगे तो हम कौन सा भला इस जमीन का, इस देश का, इस भौगोलिक टुकड़े का कर पाएंगे? मेरे को लगता है कि भौगोलिक टुकड़ों का महत्व अब कम रह गया है और मन में खींची हुई दीवारों का महत्व ज्यादा बड़ा हो गया है। ताउम्र पेरिस में रहने वाला आदमी पेरिस के उन जगहों पर हमले करता है जो पेरिस की शान है और पूरा पेरिस दहशत से भर जाता है। ताउम्र कैलिफोर्निया में रहने वाले पति और पत्नी, चूंकि उनके भीतर किसी ने नफरत के बीज बो दिए हैं, उनको लगता है कि इस्लामिक राष्ट्र का सपना सचमुच एक बड़ी चीज है और उन्हें उसको स्थापित करना चाहिए, तो उस अमेरिका की भौगोलिक क्षेत्र के भीतर रहकर पलकर वहां के नागरिक होने के बावजूद अगर वो वहां पर इतने बड़े हमले को अंजाम दे देते हैं तो इन भौगोलिक टुकड़ों को जोड़ लेने भर से क्या होगा? मुझे लगता है कि मन का मैल जब तक नहीं मिटेगा, इन टुकड़ों को जोड़ देने से हम एक अच्छे, बेहतर, परिपक्व राष्ट्र को निर्मित कभी कर ही नहीं पाएंगे। जयदीप जी, एक बात और है कि एक वर्ग ऐसा है कि जिसके नायक महाराणा प्रताप और शिवाजी हैं जी, दूसरा वर्ग ऐसा है कि जिसके नायक औरंगजेब और बाबर हैं, तो ऐसे में दोनों कैसे करीब आ सकते हैं? दिक्कत यही है कि हम अपने नायकों को कुछ इस तरह गढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि फिर हम उसके आगे कुछ सोचना समझना नहीं चाहते। देखिए, ये इंसान की तासीर है, इंसान का स्वभाव है कि जब भी उस पर हमला होगा तो वो अपने समाज की, अपने कौम की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उठ खड़ा होगा, और जिसके भीतर जितना ज़्यादा पुरुषार्थ होगा, जिसके भीतर जितना ज़्यादा लोहा होगा, जिसके भीतर जितनी ज़्यादा ताकत होगी, जिसके भीतर जितनी ज़्यादा क्षमता होगी, वो अपने कौम की, राष्ट्र की, समाज की, परिवार की रक्षा उतनी ताकत से करेगा। तो जब हमारे पर हमला हुआ, महाराणा प्रताप ने
छत्रपति शिवाजी महाराज ने या फिर बाजीराव पेशवा ने अपने अपने राज्यों की, सल्तनत की, साम्राज्य की जितनी ताकत थी, जितनी क्षमता थी, लड़ाकापन उनके भीतर था, उससे रक्षा की। दूसरी ओर बाबर ने मुगलिया सल्तनत का प्रवेश हिंदुस्तान में करवाया और उन्होंने यहाँ पर अपना राज कायम किया। उस वक्त के जो राजा महाराजा थे, अगर वो उनको लड़ाई में पराजित कर देते तो शायद ऐसा नहीं होता। सिकंदर के भी हौसले थे कि वो हिंदुस्तान पर कब्जा करे, वो नहीं कर पाया। इसी तरह औरंगजेब ने और बाबर ने उनको जो विरासत में मिला था, उनको जो बात आगे बढ़ानी थी उस पर काम किया। ये तो बादशाह अकबर जैसे कम लोग हुए जिन्होंने सोचा, जिन्होंने दीने इलाही जैसा धर्म चलाया, धर्म की दीवारों को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने ये भी सोचा कि हम इस मुल्क में आकर इस पर काबिज जरूर हो गए, लेकिन अब हम यहाँ के हो गए, यहाँ की मिट्टी पानी आबो हवा हमारी हो गई है, तो इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं बजाय के धर्म के नाम पर देश को बांटने के। वहीं दूसरे राजे महाराजे हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर जुल्म ढाए, जजिया कर लगाया, लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाने की कोशिशें की। ऐसे ही दूसरी तरफ के उदाहरण भी हमें मिलेंगे। अभी हाल ही में हमने टीपू सुल्तान को लेकर भी एक बहुत बड़ा विवाद देखा है। तो मुझे लगता है कि निर्भर ये करता है, आप महाराजा शिवाजी को माने, महाराणा प्रताप को माने, औरंगजेब को माने, बाबर को माने, आप इंसानियत को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। और ये इतिहास के राजा हुए जिन्होंने अपने स्तर पर अपने पुरुषार्थ के जरिए अपने महत्व को, अपने धर्म को, अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इस वक्त इस दुनिया को जरूरत है इंसानियत के धर्म को आगे बढ़ाने की। जिसने जो दीवारें खड़ी करनी थी वो कर दी, क्या उन दीवारों को गिराकर हम क्या हम कबीलों और साम्राज्यों की लड़ाई लड़ने वाले आदिम युग से बाहर कभी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? सवाल यह है कि कबीलों की लड़ाई इस देश का, दुनिया का सच है। हम लोग उसी तरीके से अस्तित्व में आए और ये मनुष्य के अस्तित्व की गाथा है जिसको हम मिटा नहीं सकते। पर हम अगर अपने आप को सभ्य होने का दावा करते हैं तो क्या हम ऐसी कोई कोशिश कर सकते हैं कि उन कबीलाई और साम्राज्य की लड़ाइयों से आगे जाएं? अगर अंग्रेजों ने हमला किया था, अगर मुगलों ने हमला किया था, अगर मुगलों के हमले से उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेना शिवाजी को गवारा नहीं था तो उनने अब तक पुरुषार्थ दिखाया। उसी तरह महाराणा प्रताप ने दिखाया। उसी तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को हम इतना बड़ा क्रांतिवीर क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क की, अपनी सरहद की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। इस वक्त हमारा मुल्क हिंदुस्तान अगर है तो उसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए, उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नक्शों को जोड़ने से पहले दिलों को जोड़ने की क्या कवायद कर सकते हैं? जो लोग पहले से इस हिंदुस्तान का हिस्सा है उनको उतनी हिंदुस्तानियत तो हम सिखा दें कि वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के विरोध की कोई बात नहीं करें, उसके बाद बाहर वालों को जोड़ने की बात हम करें। जी, एक चीज तो हो ही सकती है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश महासंघ बनाए और साथ मिलकर काम करें लोगों के भले के लिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आज की दुनिया जो है उसमें जरूरी नहीं है कि आप भौगोलिक रूप से एक राष्ट्र हो, लेकिन विचार के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर, एक दूसरे को फायदा पहुंचाकर आगे बढ़ने के स्तर पर आप एक हो सकते हैं। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का वैचारिक रणनीतिक महासंघ अगर बनता है तो निश्चित तौर पर पूरे एशिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और जो हम छोटी छोटी लड़ाइयां आपस में लड़ रहे हैं उनसे आगे बढ़कर दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में हम खड़े होंगे। और इसी महासंघ में अगर आप श्रीलंका को जोड़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र की एक ऐसी महाशक्ति बनेगी जिससे हम यूरोप और दूसरी दुनिया की ऐसी ताकतें जो खुद को G5, G3, G2 कहलाकर अपने आप को दुनिया का चौधरी साबित करने में लगातार लगी हुई है, उनसे आगे हम जा सकते हैं। दूसरी ओर एक और बात है कि ये तीनों चारों राष्ट्रों में चीन ने अपने अपने पैर लगातार पसारे हैं। चीन ने सामरिक दृष्टि से भी खुद को मजबूत करने की कोशिश की है। शायद अभी यहाँ पर इन राष्ट्रों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अपने फिलहाल के थोड़े से फायदे के लिए हम एक बड़े राष्ट्र के पराधीन हो रहे हैं। चीन के जो मंसूबे हैं उन पर कभी भी सीधे भरोसा नहीं किया जा सकता। उन मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए भी इन सभी राष्ट्रों का आपस में जुड़कर महासंघ बनना निश्चित तौर पर रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे अखंड भारत पर राम माधव के बयान की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।